एक और दीवाना चला मुकद्दस सफर हज के लिए पैदल। महाराष्ट्र के अंबाड़ी जलगांव जिले के छोटे गांव से मस्तान अस्ताना पैदल चलकर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के शहर कसरावत से निकल चुका है। सैकड़ों की तादाद में लोग हज के सफर के साथी के साथ पैदल चलकर सवाब हासिल करने की नियत से हर एक गांव के लोग कई कई किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं और जगह जगह इस यात्री का स्वागत हो रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता जाकिर खान ने मुसाफिर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह के भरोसे पैदल हज के सफर के लिए निकला हूँ और मेरा अल्लाह ही मालिक है। और जब उनसे आगे इस बारे में और भी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके पास पासपोर्ट वगैरह अन्य दस्तावेज नहीं हैं, फिर भी अल्लाह के भरोसे वह हज के सफर के लिए निकले हैं। उनसे जब चर्चा में यह पूछा गया कि कई देशों की सरहद पार कर आपको जाना है, ऐसे में ज़रूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से कई अड़चनें आएगी और सुरक्षा की दृष्टि से परमिशन नहीं मिली तो कैसे सफ़र पूरा करोगे, तो मस्तान ने बताया कि अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह इंतजाम करेगा। एक और मुकद्दस सफर के लिए हज के लिए महाराष्ट्र जलगांव के गांव से चले एक यात्री पैदल, जिनके दिल में मक्का मदीना हज यात्रा का जुनून था और एक और पैदल सफर के लिए निकले हैं। आइए आज हम बात करते हैं उनसे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्तान है। मस्तान, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंबरडी जलगांव जिले के पास। जलगांव दरगाह अस्ताना है। सालों से खिदमत कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे आपकी ज़ियारत करो। तो आपके दिल में ये जज्बा और उमंग एकदम से कैसे जागी कि आप पैदल ही सफर के निकले? एकदम ही नहीं है, कम से कम 20 सालों से चल रहा है, एक ही दिन का नहीं है। 20 सालों से सोचा हुआ हूँ, मेरी 12 साल तो मैं पहले अजमेर सिर्फ चल चुका हूँ। मैं ख्वाजा साहब से अर्जी लगा रहा था, यहाँ मेरे सरकार मुझे वहाँ की ज़ियारत करा दे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे पहुँचूँगा। ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले से चले हैं और मध्य प्रदेश की सीमा में खरगोन जिले के कसराव शहर तक पैदल आ चुके हैं। यहाँ लोगों का भारी हुजूम है और उनके इस्तकबाल के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और अल्लाह के दर के लिए निकले हैं। ये तो आपने कुछ कागजी कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंट वाला रहता है, दस्तावेज वगैरह, अब तो आपको ज़्यादा देशों की सीमा पार करना है, उसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट, किसकी कोई तैयारी की है आपने? अल्लाह करेगा, मुझे मंजूर है, जो होगा अल्लाह करेगा। विदेश के 4 से 5 देशों की सीमा लगेगी, उसके लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा बनाना है, उसके अभी तक आपने कोई तैयारी की नहीं है या कोई आपके साथ तैयार करने के लिए चल रहा है क्या? मेरे रब पर यकीन है, मेरा रब मुझे ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। आमीन आमीन। ये एक जज्बा और जोश जो बगैर दस्तावेज के अपनी हज यात्रा के लिए पैदल अपने महाराष्ट्र प्रदेश से निकले हैं और मध्य प्रदेश की सीमा में खरगोन जिले की कसरावत तहसील के गांव कसरावत में आ चुके हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह चाहेगा तो मुझे उसके दर पे बुलाएगा। हम बात करते हैं और उनसे और कुछ जानते हैं, आपके यात्रा के सफ़र की कोई कठिनाई परेशानी? अभी तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह है, मुझे यकीन है कोई परेशानी नहीं आएगी। कैमरामैन सिद्दीक खान के साथ जाकिर खान, वॉइस ऑफ राइट्स कसरावत के लिए।